चिटफंड संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, मंत्री ने कहा यह कारोबार अवैध। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी चिटफंड कंपनी निवेशक साथियों का हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं। न्यूज़ सुनने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 पेश किया, जिसका उद्देश्य चिटफंड क्षेत्र का स्वस्थित विकास करने के लिए इस उद्योग के समक्ष आ रही अड़चनों को दूर करना है। सदन में विधेयक पेश करते हुए ठाकुर ने कहा कि चिटफंड सालों से छोटे कारोबार और गरीब वर्ग लोगों के लिए निवेश का स्रोत रहा है, लेकिन कुछ पक्षकारों ने इसमें अनियमितताओं को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद सरकार ने एक परामर्श समूह बनाया। उन्होंने कहा कि 1982 के मूल कानून को चिटफंड के नियामक का उल्लंघन करने के लिए लाया गया था। संसदीय समिति की सिफारिश पर इसमें अब संशोधन के लिए विधेयक लाया गया है। अतः विधेयक पिछले लोकसभा सत्र में पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही निष्प्रभावी हो गया। विधेयक में व्यक्तियों की संकलित चिट रकम की अधिकतम सीमा को 1,00,000 रुपये से संशोधित करके 3,00,000 रुपये करने का प्रावधान किया गया है। ठाकुर ने कहा कि चिटफंड को नकारात्मक के साथ देखा जा रहा है, इसलिए इसकी छवि सुधारने के लिए विधेयक के कुछ दूसरे नाम भी सुझाए गए। उन्होंने कहा कि चिटफंड अवैध नहीं है, अवैध कारोबार। ठाकुर ने कहा कि राज्य चिट की सीमा निर्धारित कर सकते हैं। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के सप्तगिरी उल्का ने कहा कि विधेयक असंगठित क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं लगता। उन्होंने कहा कि केवल नाम बदलने से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि इसका पूरी तरह से नियम जरूरी है। उल्का ने कहा कि पहले से जो चिटफंड है वह विधेयक के दायरे में नहीं आएंगे। सरकार इस संबंध में बताए कि क्या पहले से एक चालू चिटफंड इस विधेयक के दायरे में आ सकते हैं। उन्होंने अपने गृह राज्य ओडिशा में चिटफंड के कथित घोटाले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार बताए कि राज्य में इस संबंध में CBI जांच की क्या स्थिति है। उल्का ने कहा कि चिटफंड के कथित राजनीतिक संरक्षण को संरक्षण भी होता है, इसलिए सारे अधिकार राज्य सरकार को नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने विधेयक में और प्रावधान करने का सुझाव देते हुए स्थायी समिति को भेजने की मांग की। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।